Hey guys, hi. Welcome back in U&I Automobiles. मैं हूं आपका होस्ट आलोक सिंह. फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं मैं क्रूज कंट्रोल के बेनिफिट्स एंड फायदे. इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्रूज कंट्रोल के फंक्शन को कैसे यूज करना होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं एंड लॉन्ग जर्नी में कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है. एंड इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्रूज कंट्रोल की हेल्प से बिना क्लच को प्रेस किए कैसे आप अपने गाड़ी की स्पीड को धीरे धीरे या फिर 10-10 किलोमीटर के गैप पे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल का फंक्शन होना ज़रूरी है. बाहर और आफ्टर मार्केट से ये फंक्शन आपको नहीं मिलता. अगर आपकी गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का फंक्शन मिला हुआ है पहले से, तो ही आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं. वैसे नाउअडेज आजकल मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर क्रूज कंट्रोल का फंक्शन दिया जाता है. अभी गाड़ी को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ. गाड़ी को मैंने पहले गियर में लिया. धीरे धीरे हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं. अभी जो क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है आपका, इसको आप अपने 40 की स्पीड के बाद का भी अप्लाई कर सकते हो. मैंने थर्ड गियर लगाया हुआ है, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो. मीटर के अंदर गाड़ी की स्पीड हमारी 41 हो चुकी है, बट आगे क्योंकि रोड ब्रेकर है तो मैं अभी अप्लाई नहीं करूँगा इसको. आपको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के दिखाऊँगा क्रूज कंट्रोल के बेनिफिट्स. एक बार हम इस रोड ब्रेकर को क्रॉस कर लेते हैं. आगे एक और रोड ब्रेकर पड़ने वाला है. अब मैं बात करूँ कि बेनिफिशियल किसके लिए है ये, तो वो सारे फ्रेंड्स जिनकी लंबी जर्नी रहती है डेली बेसिस पे, जिनको आउटिंग का काफ़ी शौक, लाइक आउटिंग का शौक रखते हैं वो लोग फैमिली वगैरह को लेकर के, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल फंक्शन रहता है. देखिए, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है अभी, ये हो चुकी है आपकी 40 क्रॉस. मैंने क्रूज के बटन को प्रेस किया. इसके नीचे प्लस माइनस का बटन होता है बेसिकली, इसको मैंने अनेबल कर दिया. तो जैसे ही आपने क्रूज का बटन को दबाया, इसको आपने नीचे किया, आपकी जो स्पीड है वो क्रूज कंट्रोल की सेट हो जाएगी 41 पे. मैंने कर रखी है इसको भी. अब मेरी गाड़ी बाय डिफॉल्ट 41 पे चल रही है. अब अगर मेरे को इसकी स्पीड और बढ़ानी है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं इस प्लस वाले बटन को प्रेस करूं ऊपर की ओर. क्रूज के नीचे एक बटन दिया होता है आपको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए. ये इसको आप प्लस पे टिक करोगे ऊपर की ओर, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी. इसको मैंने अभी 3 बार प्रेस किया है, तो ये 42 पे आ चुकी है. मैंने इसको एक बार नीचे प्रेस कर दिया, ये माइनस किया, तो स्पीड मेरी 1 किलोमीटर कम हो जाएगी. मेरे को 10 किलोमीटर सीधे बढ़ानी है, तो मेरे को इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करना है. प्लस माइनस वाले बटन को ऊपर की ओर लॉन्ग प्रेस करके रखना है. मैंने लॉन्ग प्रेस किया, सीधे मेरी जो स्पीड है वो 10 के हिसाब से बढ़ गई. यानी कि आप एक दो बार धीरे धीरे प्रेस करोगे, तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के हिसाब से. अगर आपने इसको देर तक प्रेस किया, तो आपकी जो स्पीड है वो 10-10 किलोमीटर के गैप पे बढ़ेगी. देखिए, दोबारा दिखाता हूँ. लॉन्ग प्रेस किया मैंने, अभी 60 के हिसाब से स्पीड हो गई. मैं कम कर देता हूँ बिकॉज आगे मेरी गाड़ी आ रही है. अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने बीच में ब्रेक दबाया, लाइक मैं दबा रहा हूँ अभी, आपने अगर ब्रेक दबाया तो आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो डिसेबल हो जाएगा. अभी इसको अनेबल कैसे करना होता है आपको मैं वो भी दिखाऊंगा. मेरे साथ जुड़े रहिए आप, थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ. मेरे बगल से गाड़ी जा रही है, किसी को इनकन्वीनियंस ना हो हमारी वजह से, तो इसको पास देता हूँ मैं. ये जब चले जाएंगे तो आपको मैं दोबारा अभी दिखाऊंगा क्रूज कंट्रोल को अनेबल कैसे करना है. अभी क्रूज कंट्रोल हमारा डिसेबल चल रहा है. देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्रूज लिखा हुआ है बट वो डिसेबल है, क्योंकि मैंने एक बार अभी क्रूज कंट्रोल अनेबल करने के बाद अपने गाड़ी के ब्रेक को प्रेस कर दिया था. मेरे बगल से गाड़ी जा रही थी, मुझे उसको पास देना था, उसको मैंने पास दे दिया. अभी वो गाड़ी जा चुकी है, मैंने यू टर्न ले लिया. अब मेरे को क्रूज कंट्रोल आपको दोबारा दिखाना है कि इसको कैसे करना होता है, बढ़ाना कैसे होता है. क्योंकि मैं एक बार क्रूज कंट्रोल को अनेबल कर चुका हूँ, तो अभी दोबारा मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे केवल क्रूज के बटन पे एक बार प्रेस करना है. प्रेस करने के बाद वो सीधे आपका अनेबल हो जाता है दोबारा, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर. बट अभी यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अपने को जब क्रूज दोबारा अनेबल करना होगा, तो गियर वगैरह मेरा सेम होना चाहिए. जिस गियर पे मैंने पहले सेट किया था उसी पर चलेगा, वरना आपको दोबारा सेम फंक्शन से गुजरना पड़ेगा कि आपको एक बार क्रूज दबाना है, एक बार को नीचे की ओर दबाना है. अभी 51 पे सेट कर रखा है मैंने. मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए, इसको मैंने डिसेबल कर दिया. मीटर पे आप देखते रहिएगा ध्यान से. अब मेरे को क्रूज कंट्रोल लगाना है अपने 50 की स्पीड पे. सपोज 50 की स्पीड पे आ गया, मैंने क्रूज के बटन को प्रेस किया, इसको मैंने एक बार नीचे प्रेस किया. अब मेरा जो क्रूज कंट्रोल है वो 48 की स्पीड पे फिक्स हो चुका है. अब अगर मेरे को क्रूज कंट्रोल की हेल्प से अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो मुझे बिना क्लच प्रेस किए, मैं क्लच प्रेस बिल्कुल नहीं कर रहा, केवल इस बटन को जो क्रूज कंट्रोल के नीचे दिया गया है, इसको ऊपर प्रेस करना है. एक बार किया तो 50 की स्पीड पे सेट हो जाएगा, एक बार और किया 51 की स्पीड पे सेट हो जाएगा. आपकी जो स्पीड है ये उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी. देखिए, मैंने एक बार दोबारा प्रेस किया, अब 52 हो जाएगी स्पीड हमारी.
यहाँ पे मीटर के ऊपर 52 हो गई, घटाना है तो इसको नीचे प्रेस करना है, एक बार दबाया तो 51 हो जाएगी, एक बार और दबाया तो 50 हो जाएगी। अब अगर सपोज मेरे को 10 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड बढ़ानी है तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस किया मैंने, सीधे मेरी स्पीड जो है 50 की जगह वो 60 पहुंच जाएगी। ये देखिए मीटर पे स्पीड बढ़ती जा रही है हमारी। अब आगे रोड ब्रेकर है तो मुझे ब्रेस करना होगा ब्रेक, तो ये आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो डिसेबल हो जाएगा। एंड इसको अनेबल करने के लिए आपको फिर दोबारा इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी की स्पीड पहले बढ़ा देनी है जिस हिसाब से आप चाहते हो अपना क्रूज कंट्रोल चलाना, एंड देन आपको दोबारा प्रेस करना होता है इन्हीं दोनों बटन्स को। अब बात आती है कि आलोक क्या करें अगर हम लोग लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, हमने सपोज क्रूज कंट्रोल को सेट कर रखा है 60 किलोमीटर की स्पीड पे, सामने अचानक कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको अपना ब्रेक दबाना पड़ता है। अब क्रूज कंट्रोल दोबारा अनेबल करने के लिए आपको स्टार्टिंग से सेम प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है जैसा अभी तक हम कर रहे थे कि हमने इसको प्रेस किया क्रूज के बटन को, फिर हमने प्लस माइनस वाले बटन को नीचे की ओर प्रेस किया, फिर हमारा क्रूज कंट्रोल अनेबल हुआ था। आपको दोबारा सेम प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे जब अभी हम लोगों का अचानक कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए गाड़ी को मैंने दोबारा यू टर्न लिया है, स्पीड मैंने बढ़ा दी, ये अभी क्रूज का मैंने ऑफ कर दिया, क्रूज मेरा ये ऑन ऐसे होता है, क्रूज का बटन नीचे माइनस कर दिया, ऑन हो गया मेरा। अभी इसको मैंने सेट कर रखा है आपके 37 की स्पीड पे, 37 की स्पीड पे हमारा क्रूज कंट्रोल अभी अनेबल चल रहा है। अब अगर मैंने अचानक सपोज ये ब्रेक प्रेस किया है, देखिए तो क्रूज कंट्रोल का जो ऑप्शन है मेरा ये डिसेबल हो गया। अब इसको दोबारा अनेबल करने के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपसे, दोबारा अनेबल करने के लिए मुझे दोबारा क्रूज के बटन को और इसके बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल एक्सीलेटर देना है हल्का सा, एंड ये जो प्लस माइनस का बटन आपका दिया गया है इसको मेरे को एक बार ऊपर की ओर प्रेस करना है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने प्रेस किया, दोबारा जो क्रूज का ऑप्शन है ये आपका अनेबल हो जाएगा। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ही आपको नजर आएगा कि कहाँ पे मैंने क्या बटन प्रेस किए हैं। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आपको सारा वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए अभी मेरा जो क्रूज का ऑप्शन है इसको मैं सेट कर देता हूँ, मान लीजिए 55 की स्पीड पे, 55 पे मैंने सेट कर दिया, अचानक मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, मेरे को ब्रेक मारना पड़ा, जैसे ही मैंने ब्रेक मारा मेरा क्रूज का ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाएगा। अब इसको दोबारा अनेबल करने के लिए मुझे दोबारा क्रूज के बटन को दबाने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल जो नीचे बटन दिया गया है प्लस माइनस का इसको केवल एक बार मुझे ऊपर की ओर दबाने की जरूरत है। ये देखिए मैंने ऊपर दबाया, मेरा क्रूज का जो ऑप्शन है दोबारा 55 की स्पीड पे सेट हो गया जितने मैंने पहले किया था। अभी मैं क्लच वगैरह बिल्कुल यूज नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट जो मेरी स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी जब तक कि मेरी गाड़ी की स्पीड 55 पे नहीं पहुंचती। अचानक दोबारा कोई ऑब्जेक्ट आ गया, दोबारा मैंने ब्रेक को दबाया, मेरा जो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है डिसेबल हो गया। अब दोबारा अनेबल करने के लिए दोबारा मेरे को इसी प्लस माइनस के बटन को जो मेरे क्रूज के ऑप्शन के नीचे दिया गया है इसको ऊपर की ओर एक बार प्रेस करना है, यानी कि प्लस पे टिक करना है ऊपर की ओर। बाय डिफॉल्ट 55 पे सेट था मेरा क्रूज कंट्रोल, ये दोबारा 55 पे जाकर के सेट हो जाएगा। और अगर मेरे को 55 के ऊपर स्पीड बढ़ानी है तो मुझे केवल इसी बटन को ऊपर धीरे धीरे प्रेस करते जाना है, 1, 2, 3, मैं 3 बार करूंगा तो 3 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, 2 बार करूंगा 2 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, और अगर घटाना है तो नीचे प्रेस करूंगा माइनस पे, 1, 2, 3, मेरी 3 किलोमीटर स्पीड कम हो जाएगी। एक बार मैं ब्रेक दबा देता हूँ बिकॉज मेरे आगे अभी ट्रक चल रहा है, डोंट वरी मैं सेफ्टी का ध्यान रख रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी हेडकैम लगा रखा है, तो फिर गाड़ी चलाने में मुझे ऐसी कोई इशू आ नहीं रहा कि आप अगर सोचो कि अनसेफ ड्राइविंग है। गाड़ी को मैंने दोबारा यू टर्न ले लिया, फॉर्चुनेटली अभी रोड खाली है तो आपको मैं सब चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। एक बार लास्ट टाइम स्टार्टिंग से, ये हमारी खड़ी गाड़ी है, क्रूज कंट्रोल डिसेबल है, मेरी गाड़ी के अंदर मेरे को क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है, मैं नहीं चाहता बार बार क्लच प्रेस करना, मैं गाड़ी को बहुत लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता हूँ फैमिली के साथ, और अगर बार बार क्लच दबाऊंगा तो मेरे पाँव वगैरह दर्द करेंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी को पहले गियर में लिया, रोड पे लेकर आ गए, सेकंड गियर लगा लिया, थर्ड गियर लगा लिया। 40 किलोमीटर के बाद आप कभी भी क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हो। मैंने ये दबाया क्रूज का बटन और मैंने इस बटन को जो क्रूज के नीचे दिया गया है प्लस माइनस का बटन, इसको नीचे की ओर एक बार दबाया,
ध्यान रखिएगा क्रूज के ऑप्शन को अनेबल करने के लिए आपको क्रूज कंट्रोल का बटन एंड प्लस माइनस के बटन को एक बार नीचे की ओर दबाना जरूरी है। अब 41 पे हमारी गाड़ी चल रही है क्रूज कंट्रोल के अंदर। अब अगर मेरे को धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है तो बिना क्लच प्रेस किए मेरे को इसको दबाते जाना है। 1 एक किलोमीटर और बढ़ जाएगा, 2 एक किलोमीटर और बढ़ जाएगा। अभी हमने देखिए यहाँ पे 43 पे सेट कर रखा है, 43 पे हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही है, ये देखिए। अब अगर स्पीड कम करनी है तो इसी बटन को जो क्रूज कंट्रोल के नीचे दिया गया है इसको दबाना है एक दो बार। एक बार नीचे दबाया, 1 तो हमारी गाड़ी की स्पीड 1 किलोमीटर कम हो गई, दोबारा 2 1 किलोमीटर हमारी गाड़ी की स्पीड और कम हो गई, 3 1 किलोमीटर और कम हो गई। अब अगर मेरे को गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर सीधे बढ़ जाए, तो मुझे केवल इसी प्लस माइनस वाला जो बटन है क्रूज के नीचे दिया गया इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है ऊपर की ओर, यानी प्लस की साइड। लॉन्ग प्रेस किया, सीधे गाड़ी की स्पीड हमारी 10 किलोमीटर और बढ़ गई, ये देखिए 60 भी सेट हो चुकी है हमारी गाड़ी की स्पीड अभी। अब सपोज सामने कोई आता है, मेरे को दबाना पड़ा ब्रेक, मैंने ब्रेक दबाया तो क्रूज कंट्रोल मेरा डिसेबल हो गया। अनेबल करने के लिए मुझे दोबारा क्रूज को दबाने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल इस प्लस के बटन को एक बार ऊपर की ओर दबाना है एंड मेरी गाड़ी की स्पीड दोबारा बढ़ के उतनी पहुंच जाएगी जितने पे पहले थी है, यानी कि 60 की स्पीड पे, ये देखिए बढ़ती जा रही है स्पीड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रूज कंट्रोल, यही था आपको बताने के लिए आज। तो काफ़ी काम का फंक्शन है, अगर आप लोग लॉन्ग जर्नी वगैरह में जाते हो, आपके पास गाड़ी है जिसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस फंक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है कैसे यूज़ करना होता है। लॉन्ग प्रेस करोगे आप तो आपकी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगी, 1x1 प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी 1-2 किलोमीटर के हिसाब से। तो ये था, मैं था आपका होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स जो पहली बार U&I ऑटोमोबाइल्स के चैनल पे आए हैं, याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैं ऐसा ही कुछ ना कुछ यूनिक कंटेंट लेके आता रहता हूँ जो कि बाकी कोई यूट्यूबर जल्दी कवर नहीं करता। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।